हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ जी के मिश्रा एंड वेलकम बैक इन विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। हम लोग आज स्टार्ट करने चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक है। हमें आज पढ़ना है जैसे कि उसके फ्लावरिंग के जो हम पार्ट पढ़ रहे थे ना, फ्लावर के पार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन सा पार्ट था? एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम, ये पार्ट हम लोग देखे हुए थे, जिसमें एंड्रोइशियम को हम लोग पुमंग बोलते हैं और ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है। फ्लावर के मेल पार्ट नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम बोलते हैं, और फ्लावर के जो मादा भाग होता है उसको गाइनोइशियम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। पहले एंड्रोइशियम के बारे में पढ़ते हैं, एंड्रोइशियम क्या होता है। तो एंड्रोइशियम मेल पार्ट हुआ, फिर एंड्रोइशियम का यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम लिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले एंड्रोइशियम में, तो एंड्रोइशियम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, एंड्रोइशियम को जैसे फ्लावर का मेल पार्ट होता है, पहले के लेक्चर में भी हम आप लोग को ये बता चुके हैं, जब फर्स्ट लेक्चर हम लिए हुए थे तो उस वक्त भी आपको बताए हुए थे कि एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो होता है ये फ्लावर के दो पार्ट ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, लैंगिक जनन में जो भाग लेते हैं। तो कौन होते हैं? एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। अब आइए, एंड्रोइशियम के एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं एस्टामेन। एंड्रोइशियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? इसका यूनिट होता है क्या? एस्टामेन। याद रखिएगा, एस्टामेन का हिंदी होता है पुंकेसर। ठीक है, एस्टामेन होता है इसका यूनिट। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एस्टामेन जो होता है, ये पूरा को हम लोग एस्टामेन बोलेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि फ्लावर में बहुत सारे एस्टामेन हो, तो उन सबको एक साथ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? एंड्रोइशियम बोलेंगे। लेकिन फ्लावर के किसी एक एंड्रोइशियम को अगर बात करें, किसी फ्लावर के एंड्रोइशियम के एक पार्ट को लें और उसकी बात करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टामेन। याद रखिएगा, एस्टामेन क्या होता है? फ्लावर, ये इसका यूनिट पार्ट हुआ एस्टामेन। ठीक है, इसका यूनिट पार्ट होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एस्टामेन में, देखिएगा ये एस्टामेन में कौन कौन से पार्ट होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है एंथर, जो ऊपर वाला ये भाग है इसको एंथर बोलते हैं, पराग कोष। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट इसी को दूसरा नाम है इसका स्टॉक, और स्टॉक का मतलब होता है पुतंतु या फिर तंतु उसको हम लोग बोलते हैं, और स्टॉक का मतलब होता है डंठल। ठीक है, तो हम लोग फिलामेंट को डंठल इसलिए बोल देते हैं ना, स्टॉक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ये डंठल नुमा आकार का होता है। ठीक है, डंठल जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलामेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं एंथर के अंदर क्या भरा हुआ होता है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पराग कण। ठीक है, और ये पराग कण किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेल गैमिट को रिप्रेजेंट करता है, नर युग्मक को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है। ये पहले भी आपसे बता चुके हैं ये बातें। ठीक है, तो अब आइए हम लोग इसके बारे में, एंथर के बारे में बातें करते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, प्रत्येक एंथर जो होता है, ईच एंथर हैज टू लोब, प्रत्येक एंथर के पास में कितने पाली होते हैं, दो पालियां होते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लोग लिखते चलिएगा, प्रत्येक एंथर में दो पाली होते हैं, एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर, और प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं। चैम्बर का हिंदी क्या होता है? प्रकोष्ठ, और प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, एंड दिस चैम्बर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और इस प्रकोष्ठ को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, इन विच जिसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन आर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हम क्या देखें कि प्रत्येक एंथर में दो लोब होते हैं, प्रत्येक एंथर में दो पाली होते हैं, और प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, और इस प्रकोष्ठ को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, या पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, या आप लोग हिंदी में लिखते चलिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आइए हम इसको समझते हैं कैसे बोला जा रहा है कि एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। तो देखिए, एक मिनट, यहां आप लोग क्या देखते हैं, एंथर जो होता है इसमें एंथर में दो लोब होता है। कैसे? तो ये आप जो देख रहे हैं एंथर, ये एंथर है ना, तो दो लोब आपको दिख रहा है, ये दो लोब दिखा। जब इस ये एंथर को हम जब इसका कट करते हैं, देखिए इस एंथर को जब काटेंगे, तो काटने के बाद हमको कुछ ऐसा ये दिखता है। ठीक है, इसके ऊपर के लेयर को हम काट दिए हैं। ठीक है, ऊपरी लेयर को जब काटेंगे तो यहाँ हमको क्या दिखेगा, देखिए यही है ना दो लेयर, यही दो लोब में, सॉरी दो लोब में जो है ये दो लोब हुआ जो ये हमको दिख रहा है, तो दो लोब ये हो गया। अब दो लोब में हमको क्या दिखता है कि देखिए, हम क्या बोले कि ईच एंथर हैज टू लोब, प्रत्येक एंथर के पास में दो पाली होते हैं। ठीक है जी, ये दो पाली हुआ इसका, एक साइड का ये और एक साइड का ये, दो पाली हो गया। अब बोला जा रहा है प्रत्येक पाली में दो चैम्बर भी होते हैं जी। ठीक है, प्रत्येक पाली में ये एक पाली हुआ ना एक साइड का, तो इसमें दो चैम्बर भी है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका दो चैम्बर हुआ, कौन कौन सा चैम्बर, एक ये चैम्बर और एक ये चैम्बर, दो चैम्बर भी हमको दिख गया। मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक एंथर के अंदर दो पाली होते हैं,
और प्रत्येक पाली में दो चैम्बर होते हैं और प्रत्येक चैम्बर के अंदर एक एक क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, क्योंकि उसी ये चैम्बर को हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसी के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा और माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, यही क्या रहता है क्या पॉलन ग्रेन। ठीक है, यही डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बना लेता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं परागकण। ठीक है, और ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आइए हम इसके स्ट्रक्चर के को फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके फिर इसको एक एक कर करके समझते हैं इसके पार्ट के बारे में। ठीक है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है क्या पॉलन ग्रेन भरा हुआ होता है। ठीक है, और यही लघु बीजाणुधानी जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम होता है विच इज कैपेबल टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। ठीक है, मतलब कि लघु बीजाणुधानी में ही क्या होता है लघु बीजाणु या फिर पराग कण का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जो होता है ये छोटे से स्पोर होते हैं जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ रहता है पॉलन ग्रेन जो ये मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे हम देख रहे हैं कहां प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में। आप लोगों को ये चीजें याद रखना होगा। देखिए अभी हम लोग मेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब फ्लावर के मेल पार्ट में पढ़ेंगे तो वहां हमको माइक्रोस्पोर हमें क्या मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। लेकिन जब हमको ये फीमेल पार्ट में जब जाएंगे ना फ्लावर के फीमेल पार्ट में तो वहां मेगास्पोरेंजियम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। अब हम लोग को एक एक करके ये एंथर क्या होता है एंथर के प्रोसेस को देखेंगे। एंथर ये कैसे उसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस तरह एंथर के अंदर हो रहा है तो उसके बारे में हम लोग एक एक कर करके अब समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे कि हम लिखे हुए हैं यहाँ इच एंथर है फोर चैम्बर। ठीक है जी, एक एंथर के अंदर चार चैम्बर होते हैं, टोटल चार चैम्बर होते हैं। सो इस प्रकार फोर माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट इन ईच चैम्बर ईच एंथर। ठीक है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे फोर चैम्बर है तो फोर चैम्बर में क्या होता है वहां प्रत्येक चैम्बर में एक एक क्या है जी यहाँ हमको दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है। इसका मतलब कि पूरे एंथर में कितने पूरे एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे कितने लघु बीजाणुधानी होंगे तो चार होंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग एंथर के बारे में देखते हैं और एंथर के बारे में लिखते हैं। आइए तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ हमारा जो अगला टॉपिक है ये हमारा पहला टॉपिक इसके बारे में हम देखेंगे अब स्टामेन के बारे में। स्टामेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में मतलब पुंकेसर और ये लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ हम लोग एक एक करके इन सभी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्टामेन के बारे में समझेंगे, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में समझेंगे, फिर पोलन ग्रेन के बारे में समझेंगे। अब आइए हम पहले स्टामेन के बारे में समझते हैं। तो अभी जस्ट हम आपको क्या बोले थे स्टामेन क्या होता है, तो स्टामेन के बारे में क्या बोलेंगे इसको मेल पार्ट होता है। ये मेल पार्ट हुआ सबसे पहले स्टामेन क्या होगा मेल पार्ट होगा। ये क्या होता है ये यूनिट होता है किसका इकाई भाग होता है किसका यूनिट होता है तो एंड्रोइसियम का एंड्रोइसियम का। ठीक है, एंड्रोइसियम का ये यूनिट भाग होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं देखिए स्टामेन जो होता है दो पार्ट में होता है जैसे कि आप लोगों को बताया भी थे कि ये दो पार्ट में होता है। देखिए अगर ऐसे होता है तो दो पार्ट में हम लोग स्टामेन को क्या बोलेंगे पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये फिलामेंट होता है पुतंतु जिसको हिंदी में कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग एंथर स्टामेन के कितने पार्ट देखे तो ये पूरे को हम क्या बोल देंगे पूरे को स्टामेन बोलेंगे ना इस पूरे को तो स्टामेन बोल देंगे स्टामेन बोलेंगे और ये स्टामेन इसको हम पूरे को स्टामेन बोल देते हैं। ठीक है, अब इस स्टामेन के हमको दो पार्ट दिख रहा है ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं जिसमें पोलन ग्रेन भरा हुआ होता है और नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। अब ये चीज समझिएगा इससे एंथर तो आपको दिख गया। अब एंथर के बारे में थोड़ा ये इसमें कुछ कंसेप्ट ज्यादा है इसलिए अभी यहाँ पे पॉइंट हम लोग बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो एंथर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एंथर क्या है इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं और जैसे कि एंथर में ही हम आपको बताया कि एंथर जो बाइलोब होता है दो लोब में होता है एंथर और एंथर जब बाइलोब को जब उसको हम कट करते हैं तो कट करने के बाद उसका सेक्शन जब करेंगे तो उसे हमें क्या मिलता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम मिलता है माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं माइक्रोस्पोर होते हैं जैसे हम बताया थे आप लोगों को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलने का मतलब होता है लघु बीजाणुधानी।
उसके अंदर लघु बीजाणु धानी होते हैं, और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु होते हैं, और वही लघु बीजाणु क्या होते हैं, डेवलप होकर पोलन ग्रेन का निर्माण कर लेते हैं, पराग कण उससे बनते हैं, ठीक है। मतलब कि हम ये जो एंथर देख रहे हैं, ये मेल गैमेट, इसके अंदर जो भी है मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यानी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम ही होता है जिससे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे ना माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो वहां इसके बारे में डिस्कस करेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। और हम एक टर्म आपको बताया था जिसके भी लास्ट में जेनेसिस होगा, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन, तो उसके पहले वाले का। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलने का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, और स्टॉक का मतलब होता है क्या, डंठल होता है ना, ये डंठल होगा। अब यहाँ देखते हैं ये फिलामेंट क्या होता है। तो देखिए, तो कोई भी फ्लावर में आपको ये फिलामेंट इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर में दिखता है, ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब ये डंठल नुमा आकार का ये दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लंबा, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, एंड सिलेंडर पतला होता है, पतला डंठल होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है डंठल, ठीक है। तो लंबा और पतला स्टॉक डंठल क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है, मतलब पुतंतु कहलाता है इसका हिंदी, हिंदी में आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। और अब आइए एंथर के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है, कैसे इस लोब में, कैसे ये लोब को हम अभी देखेंगे। जैसे कि अभी जस्ट पिछले अभी जैसे हम आपको बताए हैं, थोड़ी देर पहले बताए थे आपको क्या, कि ये जो लोब होता है ना, दो लोब में होता है, उस लोब में चैम्बर होते हैं, और प्रत्येक चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर होते हैं, जिसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं, और वहां से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब आइए उस प्रोसेस को हम समझते हैं कैसे, एंथर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और एंथर से हम ये आगे बढ़ेंगे, ओके। तो चलिए अब हम आते हैं एंथर के बारे में देखते हैं। देखिए एंथर क्या होता है ना, और उसके बारे में, एंथर क्या है उसके बारे में तो हम लोग देख लिए पहले, फिगर में आपको दिखा चुके हैं एंथर क्या है, उसके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। लेकिन अब हम उसके बारे में कुछ एनसीईआरटी को कवर करते हैं, क्योंकि हम लोग 100% एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी एनसीईआरटी से आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो अधिकतर हम लोग का चांस क्या है, एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना, यही हम लोग का मोटो है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले ये एंथर के बारे में देखते हैं, परागकोष क्या होता है। अब ये परागकोष क्या है, तो परागकोष में जैसे कि हम देख रहे थे, ये जो हमको टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर दिखता है, टर्मिनल बाइलोब, टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम, आपको लास्ट वाला जो सोर है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम सीरा, ठीक है। तो लास्ट वाला जो छोर है ना, अंतिम सीरा पे, जो अंतिम छोर पे जो स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर, द्विलोब में, द्विलोब में, द्विपाली इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दो पाली में कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एंथर बोलते हैं। ये एंथर हो गया क्या, टर्मिनल बाइलोब, मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, अंतिम सिरा जो होता है द्विपालित होता है, और उसी संरचना को हम लोग एंथर कहते हैं, परागकोष कहते हैं। अब यहां देखिएगा, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज क्या, अटैच टू द थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जैसे कि हम आपको बताए थे, जब हम शुरू शुरू में फ्लावर के फिगर देखिए, ये चीज जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये टोटल का टोटल डिपेंड है किस पे, फ्लावर के पार्ट पे। अगर आपको फ्लावर का पार्ट आता है, अगर आप एंथर पढ़ रहे हैं, एंथर पढ़ने से पहले आपको एंथर का पार्ट के बारे में पता है, अगर पार्ट के बारे में क्लियर है, तो फिर आप समझे कि ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। तो अभी से हम सबसे पहले क्या देखें कि ऊपर वाला जो भी हम देख रहे हैं ये है एंथर, और जो नीचे का पार्ट होता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। अब ये प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है ना, इसके समीपस्थ जो भी स्ट्रक्चर होता है, किसके समीपस्थ, मतलब प्रॉक्सिमल एंड इसके समीप, ये फिलामेंट के, फिलामेंट से जुड़ा हुआ कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं, फ्लावर का थैलमस होता है, या फिर उसी को हम लोग फ्लावर का पेटल बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर का जो पेटल होता है वो देखेंगे क्या, फिलामेंट से नीचे की तरफ में फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ ये फिगर में हम आप लोग को बता चुके हैं। अब यहाँ देखना है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। नंबर और लेंथ जो होता है स्टामेन का, ये अगर मान लीजिए कि स्टामेन, ये पूरा स्टामेन हम बोलेंगे ना, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को स्टामेन बोलते हैं। और अभी जस्ट बताया था स्टामेन क्या होता है, मेल पार्ट को हम लोग स्टामेन बोलते हैं, मतलब एंड्रोइसियम का यूनिट होता है स्टामेन, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा है कि नंबर
नंबर या फिर लेंथ एस्टामेन का जितने भी फ्लावर होते हैं उनमें सब में अलग अलग होता है, ठीक है, सब में अलग अलग होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। जितने भी फ्लावर हम देखेंगे सब में बदलते रहेगा, यहाँ तक कि एक फ्लावर की भी अगर हम बात करें एस्टामेन की साइज की, मतलब एस्टामेन में किसी एंथर की हम बात करें, ठीक है, उसके एस्टामेन की अगर बात करें एक फ्लावर के अंदर, तो कुछ एस्टामेन छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं एक ही फ्लावर में अगर हम बात करें। तो ऐसे ये तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक स्पीसीज के अगर फ्लावर को हम देखें तो सभी में नंबर एंथर का और एंथर का लेंथ, उसकी लंबाई और उसकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, अटाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। एंथर जो होता है ये एंजियोस्पर्म ही है, हम जानते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंथर जो है ये क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। कैसे, तो हम बताया था ना आपको बाइलोब्ड जो होता है ये देखिए ऐसे बोले थे ना, ये द्विपाली में हो गया ना, एक ये पाली और एक ये द्विपाली हो गया, तो द्विपालित होता है, तो हम इसको बोल देंगे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और क्या, जो ऊपर में देख भी लिया, अब बोला जा रहा है ईच लोब ऑफ एंथर हैविंग टू थीका। देखिए ये थीका का मतलब होता है कोस्ट, ठीक है, जैसे कि इसमें कितने कोस्ट होते हैं, कितने थीका होते हैं, तो दो थीका होता है। देखिए तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये दो थीका है, ठीक है, एक 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 लोब के अंदर एंथर दिखेगा। ये जैसे कि हम देख रहे हैं ये एंथर हुआ, एक ये एंथर हुआ ना, ये और ये एंथर हुआ, और एक एंथर के अंदर ये हम लोग लोब देख रहे हैं, ये एंथर के अंदर कितने लोब है जी, ये पूरे एंथर में हम लोग को दो लोब दिख रहा है। देखिए एक लोब ये हुआ और एक ये हुआ, इसको हम लोग लोब बोलेंगे, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी लोब हुआ। और प्रत्येक लोब के अंदर, जैसे कि प्रत्येक लोब के अंदर दो क्या होते हैं जी, दो होते हैं, प्रत्येक लोब के अंदर दो थीका होता है। देखिए तो एक थीका ये हो गया और एक थीका ये हो गया, इसको हम लोग थीका बोल देंगे और इसको भी थीका बोल देंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर इसको आप देखते हैं तो ये थीका हो गया और ये थीका हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ईच लोब ऑफ एंथर हैविंग टू थीका, जैसे क्या बोला गया, प्रत्येक एंथर के लोब के जो होते हैं उसके अंदर दो थीका होता है। जैसे कि ये प्रत्येक एंथर हुआ ना, तो ये जो एंथर है ये एंथर है, तो एंथर में दो लोब तो हम देख लिए, यहाँ पे आपको ये रेड पार्ट जो दिख रहा है ये लोब हुआ दोनों, ठीक है, और इसके अंदर ये जो हम ब्लैक इंक से डिनोट किए हुए हैं ये उसका थीका हुआ, मतलब एक एंथर में दो थीका होता है, और एक एंथर के एक लोब में दो थीका होता है, तो पूरे एंथर में कितने थीका होंगे, तो चार थीका होंगे, ठीक है, मतलब कि ईच लोब ऑफ एंथर हैविंग टू थीका, ठीक है। एंथर के जितने भी एंथर हैं उन सभी एंथर में तो दो लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में दो थीका होते हैं, इसका मतलब कि हम क्या बोलेंगे, पूरे एंथर में कितने थीका होंगे, चार थीका होंगे, और एक अगर हम एक लोब में बोले तो कितना थीका होंगे, तो दो थीका होंगे, इसीलिए बोला जाता है ईच लोब ऑफ एंथर हैविंग टू थीका दैट इज दे आर डाइथीकस, ठीक है, मतलब जो एंथर का लोब होता है ये कैसा होता है जी, डाइथीकस होता है, इसमें दो थीका होता है, ठीक है, द्विकोष्ठी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, द्विकोष्ठी होता है। तो चलिए हम लोग इसलिए कुछ और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये एंथर का कुछ और पार्ट के बारे में बात कर ले। एंथर क्या है, तो एंथर में हम जानते हैं एंथर क्या होता है, फोर साइडेड होता है, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल, ठीक है, मतलब कि फोर साइड, कैसे हम दिखा रहे थे ना यहाँ पे, ये फोर साइड होता है इसका, ये इसका फोर साइड होगा, ठीक है, और इसके फोर साइड के बारे में हम लोग कुछ ऐसे बात किए हुए थे, यहाँ पे जगह स्पेस कम आ रहा है इस वजह से, यहां देखेंगे जैसे ये जो हम देख रहे हैं यहां, ये जैसे ये हुआ, इसको हम कट किए और कट करने के बाद हम इसका ये 3D स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है जी, फोर साइड दिख रहा है कि नहीं, यहाँ फोर साइड दिख रहा है, और यही फोर साइड जो आपको दिख रहा है एंथर होता है, तो एंथर कैसा होता है, फोर साइडेड होता है, एंथर फोर साइडेड होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया भी होते हैं, और इन्हीं को तो हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे थे, तो ऐसे ऐसे कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है, चार है ना, ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें होते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो लोकेटेड एट द कॉर्नर, किसके कॉर्नर पे, तो एंथर के कॉर्नर पे, ये सभी कॉर्नर पे, ये कॉर्नर भाग पे प्रेजेंट है, कौन, ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं फोर साइडेड जो है उसको बोलते हैं क्या, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है चारों कॉर्नर पे है, चारों कोना पे होता है एंथर में, ठीक है।
और ये बोला जा रहा है टू इन ईच लोब, ठीक है। ये कितना होता है, एक लोब में कितना होता है, हम जैसे कि आपको बताए हुए थे कि लोब किसको बोलेंगे, तो जैसे हमारे ये कि एक साइड यहाँ लोब, ये अगर हम ऐसा करते सेपरेट करेंगे तो हमको एक पार्ट जो दिखेगा एक लोब हुआ और दूसरा इधर का जो पार्ट दिख रहा है ये दूसरा लोब हुआ। तो अगर मान लीजिए कि एक पार्ट को हम ढक लेते हैं तो हमें एक लोब दिखता है, तो एक लोब में एक लोब यहाँ एक लोब दिख रहा ना, तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो दो है, तो यानी दोनों लोब में कितने होंगे, चार होंगे। इसका मतलब कि टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक एंथर के अंदर, तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। और प्रत्येक में बताया था कि पोलन ग्रेन जो होता है ना, प्रत्येक से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, मतलब उसमें माइक्रोस्पोर होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर। अब क्या होता है, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके क्या बना लेता है, पोलन सैक बना लेता है। और पोलन सैक कुछ कैसा होता है जी, पोलन सैक बोलने का मतलब पराग पुटी, देखिए। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलन सैक बोलते हैं, इसको हम लोग पोलन सैक बोलते हैं। हम अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को डायग्राम के बारे में बताते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को ड्रॉ करके हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए जी माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, तुरंत ही फर्दर डेवलपमेंट होता है यहाँ, और ये क्या कर लेते हैं, डेवलप होकर क्या बना लेते हैं, पोलन सैक का निर्माण करते हैं, ठीक है, पराग पुटी का निर्माण कर लेते हैं। और ये पोलन सैक जो होता है ये कैसे एक्सटेंड किया हुआ रहता है, कैसे फैला हुआ होता है, तो ये एंथर के लेंथ के अकॉर्डिंग, एंथर का अगर जैसे कि ये देखिए ये एंथर हमको दिख रहा है ना, एंथर का लेंथ जिस हिसाब से फैला हुआ होता है उसी पे ये लॉन्गिट्यूडनली होता है, लंबवत होता है, ठीक है, उस पे कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनली होता है एंथर पे। अब एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन, और ये किस चीज से भरे हुए होते हैं, पोलन ग्रेन से भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो यही हुआ हमारा, ये पोलन ग्रेन का सभी जितने भी पॉइंट था, सॉरी एंथर का, वो हमने देख लिया। अब हम लोग को ये पहले एक बार इस फिगर को ड्रॉ करके आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है फिगर के बारे में, इसके 3D स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में एक बार ड्रॉ करके पूरे प्रोसेस को समझा देते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम देखेंगे क्या, एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिये एंथर कैसे है, ये जैसे कि एंथर में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये इसका दो पार्ट होता है, इसका एंथर का दो पार्ट होता है, कौन कौन, सॉरी स्टामेन का दो पार्ट होता है। ये हम लोग स्टामेन देख रहे हैं, और स्टामेन में ये हुआ आपका क्या एंथर, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं पराग कोष, और इसी के अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं, ठीक है। और ये नीचे का जो पार्ट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्टॉक बोलते हैं, या फिर यही कहलाता है फिलामेंट, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ हम लोग इसके अभी क्या करेंगे, जैसे ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसे टूटकर बाहर आते हैं, वो चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ जैसे कि इसका हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, जब इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं, जब इसके ऊपर वाले लेयर को जब कट करके हटाते हैं, तो फिर हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि इसमें जितने भी यहाँ हम देख रहे हैं ये एंथर, इस एंथर में क्या है, ये हम देखे कि दो लोब होता है, दो लोब हुआ, प्रत्येक लोब में क्या होते हैं, तो एक लोब में दो चैम्बर होता है, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, ठीक है, दो चैम्बर हुआ, यानी टोटल चार चैम्बर होते हैं। तो पूरे एंथर में हम क्या बोलेंगे, चार चैम्बर हुए, एक में दो चैम्बर, तो पूरे में चार चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं क्या होता है, क्या भरा हुआ होता है जी, पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर भरे हुए होते हैं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन हमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये नीचे का जो भाग हुआ इसका स्टॉक हुआ फिलामेंट, ठीक है। अब इसमें जैसे कि जैसे देखिए ये क्या होता है, जैसे ये मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद इसके ऊपर क्या होगा, पोलन सैक का निर्माण होने लगता है, और ये पोलन सैक क्या होता है, ये एंथर के लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होता है, ठीक है, एंथर के लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड होगा, लंबवत में एक्सटेंड होता है, और ये पोलन जो सैक है, इस पोलन सैक के अंदर क्या चीज भरे हुए होते हैं जी, तो हम इसमें बोल देंगे क्या, इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं, क्या भरे हुए होंगे, पोलन ग्रेन से ये ठसाठस भरा हुआ होता है, ऐसा बोलता है एनसीईआरटी, ठीक है, इसमें पोलन ग्रेन भरे हुए होंगे। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये एंथर का कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, स्टामेन, जैसे कि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था ये स्टामेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, उसका था। तो हम इसमें स्टामेन तो देख लिए, अब हमको देखना है माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर